तो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आते हुए नज़र आई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या अपडेट आई है और इसका क्या इफेक्ट स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिलने वाला। और हाल फिलहाल आपने देख भी लिया होगा, अभी आज ही के दिन स्टॉक 7% उछल चुका है, एक न्यू 52 वीक फ्रेश 52 वीक हाई क्रिएट कर चुका है। जब यह शेयर पीछे स्टॉक टूटा 13 के आसपास आया, वहां से आपको बोला 13 का सपोर्ट है, अगर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये मौका एक अच्छा मौका रहेगा। और अब तो ICICI डायरेक्ट के द्वारा भी एक बड़ा बयान दिया गया है कंपनी के शेयर को लेकर। क्या है बयान, डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। और साथ में आप लोग देखोगे स्टॉक में एक फ्रेश 52 वीक हाई क्रिएट किया है, काफ़ी शानदार तेजी है। 165.5 मिलियन की वॉल्यूम हमें सुबह सुबह देखने को मिल चुकी है, यानी कि लगभग जो वॉल्यूम आई है 16.55 करोड़ की वॉल्यूम लग चुकी है अब तक। 15-20 मिनट में आप लोग देखोगे 16.5 करोड़ की वॉल्यूम थोड़ी नहीं होती है। स्टॉक में ज़बरदस्त जो ट्रेंड है वो फॉलो हो रहा है, ज़बरदस्त तेजी बनने के चांसेस हैं। लगभग आप लोग देखोगे 10% के सर्किट लिमिट और स्टॉक 10% का अपर सर्किट भी लगा सकता है, जब से ICICI डायरेक्ट्स के द्वारा ये बोला गया है। क्या बोला गया है चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे CNBC TV18 के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें जो ना अभी ये अपडेट देखने को मिला है। ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि 12 महीने में 2.5 टाइम यानी कि 2.5 गुना उछाल के बाद सुजलोन में 50% की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि यहाँ से स्टॉक 50% और उछल सकता है। ये ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा बोला गया है। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये 30 जून को अपडेट आया था दोपहर में 12:30 बजे के आसपास ब्रोकरेज ने प्रति शेयर 24 टाइम वित्तीय वर्ष यानी 2024 से 25 की अनुमानित जो आय का गुणांक हमें निर्धारित किया गया है, क्योंकि कंपनी ने ऋण पुनर्गठन और रेड इशू के माध्यम से धन जुटाने उत्तोलन का जो काम है वो कर लिया है। इन सब के चलते भाई आप लोग देखोगे ICICI सिक्योरिटीज़ ने सुजलोन एनर्जी लिमिटेड पर खरीद रेटिंग में और 22 रुपये पर शेयर का जो मूल्य लक्ष्य है यानी जो टारगेट है वो बताया है। साथ में आप लोगों ने कवरेज शुरू किया है जो 50% की संभावित बढ़त का संदेश देता है, क्योंकि उसका मानना है कि पवन टरबाइन निर्माता उद्योग की प्रतिकूल परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिए सबसे अच्छी तरह सुसज्जित है। तो यहाँ से जो ICICI सिक्योरिटीज़ के जो फाउंडर्स हैं उनके द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने एक बहुत बड़ी जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है इनके द्वारा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि सुजलोन में 50% और उछाल जा सकता है और 22 रुपये तक के जो टारगेट है वो ये शेयर हमें दिखा सकता है। क्योंकि भाई आपने देखा होगा विंड टरबाइन निर्माता कंपनी है, आने वाले टाइम में जो इंडिया की जो फोकस रहेगा वो हर साल 10 गीगावाट की फ्रेश बीडिंग लेकर आने का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पवन ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे में जो सुजलोन एनर्जी है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हमें रिटर्न दे सकती है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाह रहे हो तो स्टॉक अगर गिरावट में मिले तो वो मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। चलिए एक बार लेवल भी देख लेते हैं चार्ट्स पर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में हुआ है बिग ब्रेकआउट, यहाँ पर देख सकते हो भी ओपनिंग ही आपको जो ना अभी गैप अप के साथ देखने को मिली है। शानदार स्टॉक में तेजी और ये तेजी बरकरार है, स्टॉक ने ट्रेंड को तोड़ा है, बेस्ट मौका था स्टॉक के अंदर आज के दिन एंट्री लेने का। जी हाँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितनी शानदार स्टॉक में तेजी ब्रेकआउट हुआ है। इस ब्रेकआउट के चलते आप लोग देखोगे स्टॉक ने एक न्यू 52 वीक हाई क्रिएट किया है जो कि लगभग 16.80 के आसपास का है। तो 16.80 का फ्रेश 52 वीक हाई, और मैंने आपको क्या बोला जब स्टॉक यहाँ से निकलेगा 15.5 का हमारा इसका रेजिस्टेंस था, अगर ब्रेक हो सॉरी सपोर्ट था, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा छोटा सा सपोर्ट लेके चलने के लिए बोला था, और ऊपर में जो टारगेट थे 17 से 18 रुपये के मैंने आपको बोले थे, स्टॉक ने 17 रुपये के जो लेवल है वो टच कर लिया। लगभग काफ़ी शानदार तेजी है,
और इस तेज़ी के चलते आप लोग देखोगे स्टॉक एक बार फिर से अपने जो ट्रेंड है उसको फॉलो किया, ट्रेंड के ऊपर में निकला स्टॉक, तो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है। और यहाँ से जो टारगेट है वो हमारा पहला टारगेट 17 का अचीव हो चुका है, सेकंड 18 का है। जो स्टॉक कल या फिर आज ही के दिन तो नहीं होगा, कल के दिन स्टॉक जो है इसे अचीव करते हुए नज़र आ सकता है, तो यहाँ से स्टॉक में और भी तेज़ी बनने की संभावना है। जो भी फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं करंट लेवल से, अगर वो स्टॉप लॉस लेकर स्टॉक में चलना चाहे तो स्टॉप लॉस उनके लिए रहेगा भाई लगभग 1580 का स्टॉप लॉस है, कोई दुराय नहीं है। इसके ऊपर में अगर स्टॉक आपको मिल रहा है काफ़ी अच्छी बात, अगर इसके नीचे आए तो स्टॉक को आई थिंक आपको सेल करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूल लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।